मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है डोसे की जितनी मैंने तरीफें सुनी है। स्पाइसेस इन्होंने ऑलरेडी डाले हुए थे पोटैटोस में। मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, हर सॉस के साथ उसका अलग अलग मज़ा है। चिकन डोसा को अगर मैं नंबर दूँ 10 में से 9.5 तो दूंगा, कंफर्म दूंगा। लाहौर के बीफ बर्गर्स में सबसे जो अच्छा जो बीफ है ना वो यहाँ का लगता है। हम वॉचिंग जी टीवी, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर आप जैसे होंगे, ऐसी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। तो आज हम किसी जगह को एक्सप्लोर नहीं करने जा रहे, आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं इंडियन डिश डोसा, DOSA डोसा। मैंने आज तक नहीं खाया पर्सनली, लाहौर में उसे एक्सप्लोर करेंगे, कहाँ वो बेस्ट पॉइंट है वो हमने जान लिया है, वो हमने पहचान लिया है, वो हमने ढूंढ लिया है, उधर जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको डोसे की हिस्ट्री बताएंगे चलते चलते रास्ते में, लेट्स गो, टाइम बहुत कीमती है। नहीं जी, फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे जहां हमने आज जाना था, और फिलहाल मैं बाइक लगा लूँ फिर आपको डिटेल में उसके बारे में बताता हूं कि हम कहां आए हैं। लाहौर में बेसिकली अगर मैं आपको एड्रेस थोड़ा सा बता दूं, जब हम MM आलम रोड पे आ जाते हैं और आगे आ जाता है गोल चक्कर जो गाली मार्केट की तरफ भी जाता है, उस गोल चक्कर को जब हम क्रॉस कर जाते हैं तो थोड़ा सा आगे आके हमारी राइट साइड पे ही आ जाता है। पहले इसका नाम था लाविया चिबो, मतलब इटालियन नाम था जिसका मतलब था फोर स्ट्रीट, लेकिन उसके बाद इसकी ब्रांडिंग चेंज कर दी गई बर्गर के नाम से। और गुज़श्ता 2-3 साल से उबरता हुआ सितारा कह लें इसे लाहौर में है। और अगर इंडियन डोसा कहा जाए तो बहुत ज़्यादा इनका फेमस है, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे रिव्यूज़ थे। मुझे नहीं पता रिव्यूज़ सच्चे थे झूठे थे कैसे थे, लेकिन अब हम अंदर जाएंगे खाएंगे फिर आपको बताएंगे कि कैसे रिव्यूज़ थे। आइए चलिए। तो जी फाइनली डायरेक्टली हम किचन में आ गए हैं, और किचन जो है कोई कोई इजाज़त देता है, उस वजह क्या है कि साफ़ सुथराई जिसके पास होती है वही इजाज़त देता है कि आप अंदर जाएं। अस्सलाम वालेकुम प्रदा भाई, भाई कैसे हैं? प्रदा भाई बड़ी तरीफे सुनी है आपके जायके की, डोसा कौन कौन से आपके पास? ये डोसा में हमारे पास थे 3 फ्लेवर है, एक चिकन चिली में और एक जो है ओरिजिनल डोसा है वो है पोटैटो मसाला, उसके अलावा एक चिकन मसाला में है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है डोसे की जितनी मैंने तरीफें सुनी है, और ये रैप हो गया, शवारमा हो गया, पराठा रोल आ गया, ये डोसे से कॉपी करने के बाद इधर आए हैं पाकिस्तान में और दुनिया भर में। फिलहाल हम डोसा खाते हैं, कौन सा ये बनाएंगे ये साथ साथ हम इनसे पूछते हैं भाई स्पाइसी कौन सा है। स्पाइसी जो है हमारा सबसे स्पेशल है वो चिकन चिली है, उसकी ज़्यादा डिमांड है इधर। उसके अलावा पोटैटो मसाला की है, और जो चिकन मसाला वो थोड़ा माइल्ड लवर वो लाइक करते हैं। बस स्पाइसी तो हमने खाना ही नहीं है, स्पाइसी से जो हमें एलर्जी है। जो बाकी के दो हैं रदा भाई वो हमें बना के दिखाएं, और साथ साथ बताएं कि क्या क्या आपने डाला यार है। अच्छा बेसिकली इनके पास 3 किस्में हैं डोसे की, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर बात की जाए तो 120 किस्में हैं डोसे की, और वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात की जाए तो 54 फुट यानी 54 फिट जो सबसे बड़ा डोसा बनाया गया था वो इंडिया में बनाया गया था, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज बुक रिकॉर्ड में मौजूद है। अच्छा जी, सबसे पहली तो वजह जो इधर आने की है और इनसे इंप्रेस होने की है वो ये है कि इधर स्पाइस सुथराई बहुत ज़्यादा है, और अगर मैं मार्क्स दूँ तो 10 में से मैं 10 दूंगा। रजा भाई ये क्या है? ये बैटर है, ये राइस और दाल से तैयार किया जाता है जो इसका स्पेशल है, इससे ब्रेड बनेगी, इसकी ब्रेड बनेगी। ड्रामों में फिल्मों में रिव्यूज़ में ही देखा था, लेकिन अभी लाइव देख रहा हूँ। दादा भाई ये एकदम से नहीं जल रहा, क्या आंच हल्की है? इसका टेम्परेचर जो है ना कंट्रोल में किया था, ये ब्रेड फट भी जाती है ठीक है, और वो बहुत मसले करती है, लेकिन फटी हुई ब्रेड का क्या करते हैं? जो फट गई वो वेस्ट हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। हमने इसका ऑलरेडी टेम्परेचर कंट्रोल किया हुआ। और ये कितने टाइम में जो है पक जाती है ब्रेड? ये 5 से 7 मिनट लगती है और रेडी हो, 5 से 7 मिनट लेती है और बन जाती है मज़े की, लेकिन खुशबू मुझे अभी से आ रही है इसकी। साथ साथ मैं बताता चलो, इनके पास और भी वैरायटीज़ है, इनके पास बर्गर भी है, लोडेड फ्राइज भी हैं, और पता नहीं क्या क्या है, लेकिन हम खाने आए हैं डोसा, हमारा फोकस ही आज डोसे पे। और रजा भाई जल्दी जल्दी में उधर से कुछ निकाल रहे हैं। रजा भाई ये क्या चीज़ है? ये चिकन है इसका। अच्छा चिकन में क्या क्या मिलाया, स्पाइसेस कौन से? ये इसमें
योगर्ट और मसाला होता है, माइल्ड मसाला होता है। ठीक है, माइल्ड मसाला होता है। और एक और अच्छी बात, पता नहीं आपको सही से नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, रज़ा भाई इसकी बकायदा जो है वेट कर रहे हैं, इससे जो है वज़न कर रहे हैं कि कितना वज़न है, क्योंकि किसी के साथ नाइंसाफ़ी तो करनी नहीं है और हमारे साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे मुझे लगता है। इसका इशू ये होता है कि जब हम ज़्यादा मीट ऐड करते हैं तो वो ब्रेड जो है ना वो फट जाती है, सही रोल नहीं होती ज़्यादा मीट की वजह से। ज़्यादा मीट की वजह, इसीलिए हम इसका वेट हमने किया हुआ कि इतना ही डालना है। पोटैटो डोसा जो है उसमें क्या क्या है? इसमें स्पाइस है और सॉल्ट वगैरह होता है, इसके अलावा इसमें ऐड करेंगे हम बटर, बटर के ज़्यादा मज़ा तो बटर के साथ ही करते हैं। बटर स्पाइस कौन कौन से हैं? स्पाइस में क्रश चिली है, सॉल्ट है, इसके अलावा और भी तीन चार चीज़ें इसके अंदर ऐड होती हैं। अच्छा, जब डोसा बनाया गया था ना उसका कंसेप्ट बेसिकली ये था कि कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जो जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, तो अब इसमें डाइजेस्ट होने वाली क्या चीज़ है वो तो देखेंगे। ऑयल है, ये बटर है, ये बटर है। अच्छा, पिघला हुआ बटर है, मेल्ट करके इसको मेल्ट करके रखा हुआ है। और अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लग जाता है एक डोसे को बनाते? इसको लग जाता है 5 से 7 मिनट ही लेता है। अच्छा, अगर आपने अंदाज़ा लगाए हैं तो आज तक आपने कितने लोगों को डोसा खिला दिया? अब ये तो लाखों करोड़ों पे पहुंच जाता है। लाखों करोड़ों तक पहुंच गया, कितने साल हो गए हैं माशाल्लाह से? ये 4 साल हो गए। 4 साल रज़ा भाई को हो गए हैं। रज़ा भाई इधर मास्टर शेफ कह सकते हैं इन्हें। मज़े मज़े की खुशबू आ रही है और मुंह में पानी भी आ रहा है शदीद वाला, पता नहीं बनता क्या है और खाते क्या है। जी रज़ा भाई अब चिकन डालने लगे हैं, बल्कि डाल दिया डोसे के ऊपर, ब्रेड के ऊपर डोसे के। क्रिस्पी हो चुकी है, ये क्रिस्पी हो चुकी है, साथ आ रहा है मुझे। ठीक है। और ये हो गया हमारा पोटैटो डोसा। डोसा नाम याद करना ही बड़ी मुश्किल की बात है। नहीं, डोसा तो याद हो गया, बस स्लिप हो जाता है ना कभी कभी खुशबू देख के। ऐसे ही है, आप ना किसी भी चीज़ का जब जायका लेते हैं ना, सबसे पहले उसकी खुशबू से लेते हैं, उसके बाद आँखों से उसका जायका लेते हैं, जुबान से तीसरे नंबर पे जायका लिया जाता है। ये इसमें डाले हैं मैंने अनियन डाले हैं, टमाटर डाले और मीट डाले, टमाटर हैं, प्याज है, इसका जो साथ पुदीना है अच्छा हो जाता है। और इसमें खाली पुदीना ही? इसमें खाली मिंट होता है। खाली मिंट होता है। अब ये रेड हो चुकी है, इसको हम करेंगे। जो स्पाइसेस इन्होंने ऑलरेडी डाले हुए थे पोटैटोज में, उसे ब्रेड पे डाला है, ब्रेड को पहले बनाया है, उसके बाद उस पर मिंट डाला है, उसे रोल कर दिया है। इसी तरह से चिकन वाले में ऑनियंस भी डाले हैं, साथ टमाटोज भी डाले हैं और उसे फिर से रोल कर दिया है। घर में आप बनाना चाहें तो रज़ा भाई से यह मशवरा ले लें या ऑनलाइन कहीं से देख लीजिएगा, खुद ना पंगे लेते रहिएगा, क्योंकि जो ब्रेड बनाई है उसमें स्पेशल कोई चीज़ डली है। एक तो चावलों का आटा है जी। हमारा चिकन डोसा रेडी हो गया और अभी हमें सर्व करेंगे दूसरा पोटैटो डोसा। तब तक हम बाहर आते हैं और आके इधर बैठते हैं और इधर बैठ के फिर खाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसा लगा हमें डोसा। फाइनली जी बड़े मज़े की खुशबू आ रही है, क्रिस्पी सी उसकी ब्रेड है और सबसे पहले मैं खाऊंगा चिकन वाला। आई लव चिकन, कोकोनट सॉस जो इनकी स्पेशल है, बनाते भी खुद हैं, उसके साथ ट्राई करते हैं। गिर गया, कोई बात नहीं, हल्का सा स्पाइसी है लेकिन सॉस ने बहुत मज़ा दिया। और ये आप अंदर देख सकते हैं, ये ब्रेड है कटी हुई क्रिस्पी, उसके अंदर चिकन है, मैंगो सॉस की बारी। ये आ गया मैंगो सॉस। ग्रेस है। अगर आपको डोसा स्पाइसी लगता है मैंगो सॉस के साथ खा लें, अगली बाइट फिर किसी के साथ खा लें कोकोनट के साथ, नेक्स्ट बाइक लेते हैं जो इनकी मोस्ट स्पाइसी सॉस है, अल्लाह खैर करे। बड़ी कमाल की चीज़ है, मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। हर सॉस के साथ उसका अलग अलग मज़ा है। ये जिनके जो सबसे ज़्यादा स्पाइसी सॉस है वो लेते हैं, वैसे तो ऑलरेडी बहुत स्पाइसी मुझे लग रहा है क्योंकि स्पाइसी थोड़ी सी एलर्जी है, लेकिन आपको क्योंकि बताना है, आपको दिखाना है कि कैसे रिव्यू से कैसा टेस्ट था उनका, कैसा जायका था, लेकिन पहले खाता हूँ। ओह स्पाइसी है, परफेक्ट।
चिकन डोसा को अगर मैं नंबर दूँ 10 में से 9.5 तो दूँगा, कन्फर्म दूँगा। पोटैटो डोसा हैदर भाई मेरी तरफ देख रहे हैं, हैदर भाई ये बड़े वाला पीस आपके लिए, छोटे वाला मैं खाऊँगा, हालांकि ये भी बड़ा है। अच्छे से खाने का एक तरीका है, अगर आप भी दबाएँ तो आपको भी सीखने को मिल रहा है। इसे इधर से दबाना है आपने दो फिंगर्स के साथ, साड़ी मेहरबानी फतवा कोई ना ला देना क्योंकि मेरी दाएं हाथ की दाएं वाली उंगली ऊपर ही है। ये तीन सॉसेज हमने ट्राई कर ली हैं, लेकिन मैंगो के साथ मैं लाजमी आलू वाले को ट्राई करूँगा, बहुत क्रिस्पी है। यार वो तो अच्छा है, ये उससे भी ज़्यादा अच्छा, लेकिन 9.5 कोकोनट सॉस। मज़े का अब रेड चिली सॉस, ओए होए होए, बटर की स्मेल आ रही है, बटर का टेस्ट आ रहा है बकायदा इसमें से। हाँ, पाँच सॉसेज देने का मकसद ये है कि आप सबको टेस्ट करें, अगर आपको स्पाइसी पसंद है स्पाइसी लगाएं, अगर आपको स्पाइसी नहीं पसंद कोकोनट लगाएं या मैंगो लगाएं या इमली के लगा के पिएं खाएं। स्पाइसेस यानी कि इट्स नॉट टू स्पाइसी, मैं क्वालिटी के ऊपर बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि यानी कि इट्स फॉर एवरीवन, यानी कि जिनको बहुत ज़्यादा स्पाइसी से मसला है वो इसको आराम से खा सकते हैं, और जिनको बहुत कम स्पाइसी चाहिए होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके जो है इसमें खुश हो सकते हैं। तो फिर ऊपर से अच्छी बात नज़र आती है, वो अपने ही बीफ अपने फैट के अंदर कुक हो रहा होता है, और फिर हर बार जब पैटी तैयार होती है तो वो सारा उसको रिमूव करके तो फिर दोबारा नया वो एंटर करते हैं, तो वो देख के मतलब एक सेटिस्फेक्शन मिलती है बड़ी। उसके अलावा लाइक बीफ जो है वो मतलब अच्छा पका हुआ बीफ है, लाइक मुंह में घुलने वाला बीफ होता है अक्सर, तो मैं चाहूँगा कि ये क्वालिटी आप लोग जो है मेंटेन ज़रूर रखें और लोग आते हैं।